हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए और देख सकते हो आप ये नज़ारा कितना अच्छा है। यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल व्यू है देखो। और देखो वहाँ पर बांस का ब्रिज बना हुआ है जो कभी भी टूट सकता है, लेकिन टूटता नहीं है। लोग वहाँ से आते जाते हैं और पार करते हैं। और उस साइड हमारा नवोदय है, नवोदय की बाउंड्री है। और ये नदी है देखो पास में, और नदी का पानी गंदा हो रहा है क्योंकि आज बारिश हुई है बहुत तेज से, तो पानी पूरा गंदा हो रहा है। देख सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं गाइस, देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ पर। यहाँ पर चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है मेघालय में। और अब हम जा रहे हैं एक छोटे से गांव में जो पास में ही है नवोदय के। यहाँ छोटे छोटे घर हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, हरियाली हरियाली चारों तरफ। लेकिन पहाड़ी पहाड़ है तो चढ़ने में हम थक जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखो कितनी सुंदर बांस की जो है बाउंड्री बनाई हुई है इन लोगों ने। यहाँ पर कांटे वाली जो बाउंड्री होती है वो नहीं बनाते, यहाँ बांस बहुत ज्यादा रहते हैं। देखो गाइस, मैं इतना सा पहाड़ चढ़ी हूँ बस इतना सा, लेकिन उसमें भी मैं थक चुकी हूँ। है मुर्गियाँ? हाँ मुर्गियाँ दिखाती गाइस, देख लीजिए यहाँ पर देसी मुर्गियाँ भी है। कितनी प्यारी लग रही है मुर्गियाँ, लेकिन इनको काट के खा जाते हैं। और देख लीजिए गाइस, कितने प्यारे प्यारे घर हैं, छोटे छोटे मेघालय में छोटे छोटे घर हैं। और जो वहाँ बच्चे बैठे हैं वो कमेंट कर रहे हैं, ओ ब्लॉग कर रहे हैं। कितने प्यारे छोटे छोटे ये लोग, यहाँ के लोग पूरे एनवायरनमेंट पर और नेचुरल पर को अपनी पूरी जिंदगी सादे एंड सिंपल तरीके से जीते हैं। और देख सकते हो आप गाइस, यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है। जो भी लाइफ जीते हैं यहाँ पर, एक्चुअल लाइफ जीते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ देखिए छोटे छोटे घर बने हुए हैं सबके। ये सब नेचुरल चीज़ों पर डिपेंड है, प्राकृतिक पर डिपेंड है यहाँ के सभी लोग। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं गाइस। देख सकते हो आप यहाँ के, ये लोकल पीपल है और बहुत प्यारे बच्चे हैं ये छोटे छोटे। इनकी भाषा गारो है, इनकी लैंग्वेज गारो है। ये थोड़ा बोल के बताओ इनको गारो में। आगा गारो मंदिर है, इंडियन है खासा, यह मंदिर आगे खासा। और आगा गारो मंदिर ये विष्णु को मिथिला, मिथिला में मिथिल जा, हाय मिथिला बोलो, हाय हाय, थैंक यू थैंक यू। मिथिला आगा आगा ना, या मुझे हिंदी नहीं आती, गारो नहीं आती, मुझे गारो नहीं आती। अच्छा मिथिला, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, और ये दोनों छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे बाप। अच्छा, इनके बच्चे हैं, हम लोग के बच्चे हैं वो। अच्छा, थैंक यू, ठीक है, बाय बच्चों, मिथिला करो, बाय 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 बाय। शर्म लगता है, खसा खचा नहीं आकर शर्म लग गया बोल के, खचा। अच्छा, शर्म लग रही है बोलते ही हुआ। अच्छा ओके, देख सकते हैं आप, हमने यहाँ के भैया से बात की, वो कितने अच्छे से बात किए, लेकिन वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती, वो गारो में बोल रहे थे। और मुझे आती है तो वो कमेंट में लिखेगा कि क्या। और अगर किसी को गारो आती है और वो गारो वाला जो भी इंसान है मेरे वीडियो को देख रहा होगा, तो इसको जरूर कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या बोला भैया ने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ शब्द आए थे। और हमारे साथ आज आए हैं आदिल सर, वो मुझे एडवाइस मतलब बता रहे हैं कि क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यहाँ पर बांस के घर भी बने हुए होते हैं, कितने अच्छे से ये बनाया है घर, इस घर के डिजाइन देखिए आप। तो गाइस, हम आ चुके हैं रोड पर और ये सर भी आए हैं साथ में, देख सकते हो। सर साथ में नहीं आए, अकेले मेरे, उनकी मैडम भी आई है। देख सकते हो आप, रोड आ चुका है और यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं।
देखो आपको सुनसान दिखाई दे रहा होगा, यहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, तो यहाँ लोग दूर दूर रहते हैं और पहाड़ पर घर हैं जिसकी वजह से यहाँ ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं, घर भी नहीं दिखाई देते यहाँ पर, सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं बोल रही इसको हिंदी नहीं आती। यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इसलिए है ना छत नहीं डालते हैं और इस तरीके का छत डालते हैं जिससे पानी गिरता है ना नीचे तो वो नीचे चला जाता है, छत में पानी ना भर पाए इसलिए यहाँ पर इस तरीके की छत डालते हैं। गाइस मेरा चैनल वैसे तो स्कूल का है लेकिन अभी मैं नए स्कूल में हूँ तो ज़्यादा स्कूल के ब्लॉगिंग नहीं बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर घूमने आई हूँ, यहाँ का जो है लोकल एनवायरनमेंट वो मैं दिखा रही हूँ अभी। और एक टूरिस्ट लॉज है, यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं रुकने के लिए। यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी क्योंकि मेघालय में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, पूरे टाइम बारिश होती है और बादल इतने सुंदर दिखाई देते हैं यहाँ पर क्योंकि पहाड़ पर है, सारे घर मकान सब पहाड़ पर है, स्कूल भी पहाड़ पर है तो बादल इतने अच्छे दिखाई देते हैं, बारिश होती है ना तब इतना अच्छा मौसम दिखाई देता है, बहुत सुहाना सुहाना मौसम लगता है यहाँ पर पूरे टाइम। और यहाँ पर स्कूल के पास में एक स्कूल है छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन आज छुट्टी है, संडे है तो सब बंद रहता है यहाँ पर, संडे के दिन सारी चीज़ें ऑफ रहती है, मार्केट भी दुकान भी सारी चीज़ें ऑफ रहती है यहाँ पर। गाइस अगर किसी को अपनी लाइफ शांति तरीके से जीना है तो मेघालय में आके आप रहिए, यहाँ पर बहुत शांति है, ना कोई पॉलिटिक्स ना कोई पॉल्यूशन, ओनली सब लोग नेचुरल चीज़ों पर ही डिपेंड है, कोई केमिकल वाले पदार्थ भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं और खाने की भी चीज़ों में मिलावट नहीं मिलती है यहाँ पर। झूला दिखा मुझे और मैं झूले में झूलने लग गई हूँ क्योंकि यहाँ पास में झूला है, स्कूल है ये यहाँ पर, तो मुझे झूला दिखाई दिया तो सावन का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा झूल लेती हूँ, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे चक्कर आते हैं झूले में तो मैं बहुत। तो गाइस हम आ चुके हैं, यहाँ टूरिस्ट होटल बनी है लेकिन यहाँ लग नहीं रहा कि ये होटल है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है घर बने हुए हैं यहाँ पर, इस तरीके के घर बनाए जाते हैं। आज मैं रूम पे आराम से सो रही थी तो हमारे इंग्लिश वाले सर ने बोला कि चलो मैडम घूमने चलते हैं, आज ब्लॉगिंग करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम हैंगिंग ब्रिज है यहाँ पर बहुत अच्छा उसको दिखाएंगे, यहाँ पहाड़ पर टूरिस्ट सेंटर है, हम उधर के साइड जा रहे हैं और तीन कुत्ते हमें देख के भौंक रहे हैं जोर जोर से, टूरिस्ट सेंटर तो बहुत अच्छा है देख सकते हैं आप। हमें अभी कुछ लोग मिले थे वो वहाँ पर गाइड, उन्होंने हमें ये बुक दी कि आप यहाँ पर घूमिए और देखिए, और सर को भी दी, मैडम को भी, तीनों को हम लोगों को एक एक बुक दी है, अब हम इसमें से देखेंगे मेघालय ट्रैवल गाइड बुक और अब हम इसमें से देखेंगे और घूमने जाएंगे, देख सकते हैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो बन जाएगा, अब वीडियो हम घूमने के ही ब्लॉगिंग बनाएंगे, अभी सुंदर है बहुत सुंदर है, इसको हम देखने आए हैं यहाँ पर, इसमें लोग आते हैं, देखो गाइस कितनी हरियाली है, फिर से यहाँ हरियाली देखने को मिलेगी आपको। गाइस देख सकते हो कितनी प्यारी होटल है ये, बहुत अच्छी होटल है ये, अब हम इस
इसमें जाने का सोच रहे हैं, लेकिन ये अंदर अंधेरा इतना दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं पता नहीं। अब हम चलते हैं इस होटल के अंदर, देखते हैं। हम आए थे ब्लॉगिंग करने, लेकिन अंधेरा हो चुका है तो हम वापस जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ, क्वार्टर की तरफ। और ये हमें मिल चुका था एक स्टूडेंट, जो इससे हमने पूछा क्यों अकेले कहाँ घूम रहे थे। इसकी आवाज बहुत अच्छी है गाइस, ये इसको गारो लैंग्वेज भी आती है। वो नहीं बोलेगा, उसको शर्म आ रही है। हमने इससे पूछा, अकेले तो नहीं गए थे, किससे पूछ के गए थे, तो बोला घर पास में है, छुट्टी लेकर गया था। चलो अच्छी बात है। यहाँ के लोगों को थोड़ा सा शर्म आती है वीडियो बनाने में, मैंने देखा है। हमारे साइड लोग बहुत वीडियो फोटो क्लिक करवाते, लेकिन यहाँ नहीं करवाते।